गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज अपन काबुलीवाला पार्ट के अंतर्गत उसका अगला भाग पढ़ेंगे कि काबुलीवाला एक चद्दर बेची थी और चद्दर का वो समय पर क्या कर नहीं सका, समय पर भुगतान नहीं कर सका, दोनों के बीच में आपस में झगड़ा हो गया और काबुलीवाले ने उसके छुरा डाल दिया था और उसे पुलिस वाले क्या कहाँ लेके जा रहे थे, जेल में या पुलिस थाने में या जेल में ले जा रहे थे। तो मिनी को देख कर उसने क्या कहा कि आज मैं कहाँ जा रहा हूँ, ससुराल जा रहा हूँ, अगर मेरे दोनों हाथ बंधे हुए हैं, अगर बंधे हुए नहीं होते तो मैं क्या करता, ससुर को मारता पीटता। तो यहाँ पे रहमत, काबुली वाले का नाम क्या है, रहमत। रहमत ताड़ गया कि उसका उत्तर मिनी के चेहरे पर हंसी ना ला सका। ताड़ना मतलब अनुमान लगाना। तब उसने हाथ दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूँ, हाथ बंधे हुए हैं, कि मेरे हाथ में हथकड़ी लगी हुई है। मतलब मन में सोच रहा है कि अगर मेरे हाथ बंधे हुए हैं वरना मैं क्या करता, ससुर को मारता। किसी भी तरह मिनी के चेहरे पर वह खुशी लाना चाहता था। छुरा चलाने के कसूर में रहमत को कई साल की सजा हुई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मन से बिल्कुल उतर गया, उसके पिता के मन से उसका ध्यान क्या हो गया, उतर गया। जब अपन किसी को लंबे समय रहते हैं, साथ रहते हैं, तब तक हम उसे याद रखते हैं और धीरे धीरे दूर होने के बाद धीरे धीरे अपन उसकी यादें कम हो जाती है। कितने ही साल बीत गए, सालों बाद आज फिर एक शरद ऋतु आई थी। शरद ऋतु यानी उस समय की शरद ऋतु जब वो जेल गया था, उसके बाद वो वापस लौट के आया, उस समय भी एक शरद ऋतु आई थी। मिनी की सगाई पक्की हो गई, हमारे घर पर आज अंधेरे से ही सहनाई बज रही है। मिनी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसकी सगाई है और सुबह से सहनाई बज रही है। मेरी मिनी का आज ब्याह है। मैं अपने पढ़ने लिखने के कमरे में बैठा हुआ हिसाब लिख रहा था कि कितना खर्च हुआ, कितना लाना है, कितना खर्च हुआ है और कितना करना है, इसका हिसाब किताब लिख रहे थे उसके पिताजी। इतने में रहमत आया और सलाम करके खड़ा हो गया। रहमत कौन था, काबुली वाला आया, उनको प्रणाम करा या नमस्कार किया और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान न सका, उसके पास न झोली थी, न वैसे लंबे लंबे बाल थे, न चेहरे पर पहले जैसा तेज था, कि उसके पास न तो झोली थी, न लंबे बाल थे और न ही चेहरे पर पहले जैसी रौनक थी। अंत में उसकी मुस्कुराहट से लेखक ने उसे पहचान लिया कि वह वास्तव में काबुली वाला यानी रहमत है। मैंने पूछा, क्यों रहमत कब आए, यानी मिनी के पिताजी ने पूछा कि रहमत आप कब आए। उसने कहा, कल शाम को जेल से छूटा हूँ। कब छूटा हूँ मैं, कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, जेल से छूटते ही मैं सीधे यहाँ पर आया हूँ। मैंने उससे कहा, आज हमारे घर में एक जरूरी काम है, सो आज मैं उसमें लगा हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। मैं अपनी बेटी के ब्याह के कार्यों में या शादी विवाह के कार्यों में लगा हुआ हूँ, तो आज आप जाइए और कल वापस आ जाना या बाद में आना। मेरी बात सुनकर वह उसी समय जाने को तैयार हो गया। मतलब जैसे ही उन्होंने कहा उसकी मिनी के पिताजी ने, तो उसी समय खड़ा हुआ और रवाना हो गया। पर दरवाजे के पास जाकर कुछ इधर उधर देख करके बोला, बच्ची को जरा देख लेता, क्योंकि उसका मन तो किस में लगा हुआ था, मिनी में लगा हुआ था। तो उसने अंत में क्या कहा कि मैं जाते जाते एक बार मिनी को देख लेता या बच्ची को देख लेता। शायद उसे विश्वास था कि मिनी अब भी वैसी ही बच्ची है। उसने सोचा कि मिनी अब भी पहले की तरह काबुली वाला यानी उसकी कल्पनाओं में मिनी का वही मासूम चेहरा, वही बचपन और वही उसका हाव भाव उसके मन में था। वह सोच रहा था कि मिनी अभी आएगी और मुझे कहेगी काबुली वाला। उन दोनों के उस पुराने कौतुक जन्य हास्यालाप में किसी तरह की रुकावट नहीं होगी। जिस प्रकार बचपन के अंदर दोनों बातें करते थे, दोनों एक दूसरे से मिलते थे और वह दौड़ी चली आती थी उसको देखकर, तो उसी प्रकार का मनोरंजनात्मक जो आचरण था, व्यवहार था, हास्यालाप यानी मनोरंजन या हंसी मजाक वाला जो वातावरण था, वह वापस लौट आएगा। मैंने कहा, आज घर में बहुत काम है। मिनी के पिताजी ने फिर दोहराया कि आज हमारे घर पे काम है, आज किसी से मुलाकात नहीं होगी। मुलाकात का तो होता है बातचीत, आज किसी से भी बातचीत नहीं हो सकेगी। मेरा जवाब सुनकर वह कुछ उदास सा हो गया, क्योंकि वो किस लिए आया था, मिनी से मिलने आया था, तो मिनी से बातचीत नहीं, तो वह उदास हो गया।
फिर सलाम बाबू साहब कहकर दरवाजे से बाहर निकल गया। वापस सलाम करके नमस्कार करके वापस वो आगे घर से उस उनके घर के दरवाजे के बाहर निकल गया। मेरे हृदय में न जाने कैसी वेदना सी उठी। तो मिनी के पिताजी के हृदय में एक अजीब सी क्या हुई थी, वेदना या दर्द उठा। मैं सोच ही रहा था कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा तो वह खुद ही आ रहा है। तो मिनी ने क्या देखा कि वेदना यानी दर्द उठना। मैंने सोचा कि उसे बुलाऊं, इतने में देखा कि वह खुद ही आ रहा है। तो उस लेखक या मिनी के पिताजी ने देखा कि काबुली वाला वापस लौट कर आ रहा है। पास आकर बोला, अंगूर किशमिश और बादाम बच्ची के लिए लाया था, उसको दे दीजिए। कि मैं अंगूर बादाम और सूखे मेवे वगैरह लाया हूँ, किसको देने हैं, मिनी को देने हैं। मैंने उसके हाथ से सामान लेकर उसे पैसे देने चाहे पर उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो लेखक जैसे ही उसका काबुली वाले को पैसे देना या उसको पैसे देने यानी जो काजू किशमिश बादाम वगैरह दिए थे उसके पैसे देने के लिए कहा, तो उसने क्या कर लिया, उनका हाथ पकड़ लिया। कहने लगा, आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, हमेशा याद रहेगी कि आपने इतनी मेहरबानी की है कि आपने अपने बच्ची के साथ मुझे खेलने का, उसके साथ बातें करने का, उसके साथ मनोरंजन करने का या उसके साथ समय बिताने का जो अवसर दिया उसके लिए आपको बहुत आपकी बहुत मेहरबानी है। जरा ठहर कर फिर बोला, बाबू साहब आपकी जैसी मेरी भी एक देश में एक लड़की है, मैं उसकी याद करके आपकी बच्ची के लिए थोड़ी सी मेवा हाथों में ले आया करता हूँ कि आपकी जो मिनी है, मिनी जैसी ही हंसमुख सुंदर और छोटी सी बच्ची मेरी भी है और वह कौन से देश में, मेरे अपने देश में है। मैं उसकी याद के लिए याद में ही यानी अपनी बच्ची के समान ही मैं आपकी बच्ची को समझता हूँ और उसी के लिए मैं ये सब चीज़ें लेकर आता हूँ। मैं तो यहाँ सौदा बेचने नहीं आता, मैं यहाँ पे किसी प्रकार का व्यापार करने या सौदा बेचने के लिए नहीं आता हूँ। लास्ट पैराग्राफ देखें, उसने अपने ढीले ढाले कुर्ते के अंदर हाथ डालकर एक मैला कुचेला कागज का टुकड़ा निकाला। क्या निकाला, एक कागज का टुकड़ा जिसपे ऊपर उसके हाथों के चिन्ह वगैरह उसके धब्बे वगैरह लगे हुए थे। देखा कि कागज पर एक नन्हे से हाथ के छोटे से पंजे की छाप है। हाथ को क्या करते हैं, उसको पेपर पे लगाया हुआ था, हाथ का निशान था। हाथ में थोड़ी सी कालिक लगाकर कागज के ऊपर उस पर निशान ले लिया। उसकी बच्ची का क्या था, उसने हाथ पर निशान लगाकर पेपर पर ले लिया। अपनी लड़की की इस याददाश्त को छाती से लगाकर हर साल कलकत्ता की गली कूचों में मेवे बेचना आता है। कितने बार आता है, हर साल बेचने के लिए आता है ताकि उसे उस बच्ची की कमी पूरी हो जाए। इसके अंतर्गत अपन यहाँ पर प्रश्न करेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। मेन की प्रश्नों के उत्तर है जो आपको मैं लिखकर भेज दूंगी। और इसके अंतर्गत काबुली वाला कौन था, काबुली वाला सौदा बेचने वाला था। काबुली वाले का नाम क्या था, रहमत। काबुली वाला जेल क्यों गया था, क्योंकि एक चादर के लिए दोनों में झगड़ा हो गया था, उसने छुरा डाल दिया था। किस बात से लेखक का हृदय द्रवित हुआ, उसे अपनी बेटी के समान मिनी को मानने और उसके प्रति अनन्य प्रेम को देखकर उसका हृदय द्रवित हो गया। इसके बाद अपन अक्स का अगला भाग अगले में पढ़ेंगे। आप इसका होमवर्क करना अच्छे से और मेरे तक वापस भेजना।